रेस्टोरेंट फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो माशाल्लाह से अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी जो है ना हम लोग उठे हैं, बाहर आए हैं, अभी नाश्ता वगैरह बना रहे हैं और माशाल्लाह से चाचू ने जो है ना अभी खेतों में पानी लगाया हुआ है। अब ये नहीं पता कि आज हमारा वारा है या नहर से लगाया है या किसी से मांगा है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी चाची ने जो है ना बिल्कुल ही, ये देखिए इनको भी पानी लगवा दिया। तो अभी चलते हैं घर के अंदर और पानी लगाया ना तो चारों तभी अब्बा ही कीचड़ हो गई है। मछली अब जो है ना इसको बनाते हैं। इसका मुझे नहीं पता, ये मछली के अंडे हैं पता नहीं क्या है, अब्बू से पूछते हैं। मम्मी ने रोटियाँ लगाई हुई है, बस दो रोटी मेरे ख्याल में रह गई है, अब क्या वहाँ पर लगा। अब अच्छा ये क्या है गोल गोल से? ये मछली के बेटा अंडे हैं। अच्छा अंडे, मैंने सही अंदाज़ा लगाया इसका मतलब। ये मछली के अंडे अच्छे बनते हैं वैसे, ये मज़े के बनते हैं। तो बना के देखते हैं फिर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं और हमारी वीडियो मुकम्मल दिखा करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, इसीलिए हम लोग दो वीडियो डाल रहे हैं। और कल हमने जो है ना बिल वगैरह भी नहीं दिया, 1100 कुछ रुपए आए हैं। हालात इस कदर नाजुक मोड़ पे हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, या दवाइयाँ लें या खाना पीना खाएं, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। लोग जो होते हैं ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है। कल भी मैंने साइकिल के अंदर हवा डाली है तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है और जिसे मैं ताकत बिल्कुल ही नहीं है कोई काम करने की। प्याज उठाते हैं, एक प्याज। अभी जो है ना प्याज वगैरह छील रहे हैं और रोटी बना ली और जो है ना अम्मी ने गाय का दूध भी निकाला था, उसके बाद चाय वगैरह बनाई। बैठी थी अब जो है ना अबू आ गए हैं यहाँ पे। गुस्से में बैठे हो अम्मा? ये अब्बू ने यहाँ पे अपनी हांडी बना ली है, अब वो बन गई है। और जिस प्यारे बहन भाई को खाना है आज है, मछली मेरी तैयार हो चुकी है, फिश बहुत ज्यादा मजे की लग रही है। अब वो कैसा बना है? बहुत मजे की बनी है, ताजी मछली है ना, टमाटर नहीं है ना। हाँ टमाटर खत्म हो गए काफी दिन हो गए, खाली प्याज में बन। आकिफ ने तंदूर वाली रोटी को जो है ना तेल लगाया हुआ है। नाश्ता कर रहे हो? ये रही आकिफ की चाय। अभी जी जा रहे हैं कोट मठन शरीफ ख्वाजा गुलाम फरीद की दरबार पे। तो ये बहुत ही बड़ा जो है ना दरिया है, जो सैलाब जो होता है वहाँ से आता है ना इस्लामाबाद से आल पाकिस्तान से घूम के जो सिंध की तरफ में दरिया समंदर में जाके गिरता है, तो उस दरिया के किनारे जो है ना हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और ये कहलाई जाती है चाचड़ा शरीफ जगह। और यहाँ से पहले जो है ना वो उधर से बहुत दूर से वहाँ से जो है ना जहाज़ चलते थे और ये जो है ना यहाँ एक तरफ होता था
कोट मखन शरीफ के बाजार के पास ही पूरा पानी पानी होता था। अब जो है ना यहाँ पे जब से ये चाइना ने रोड जो बनाया है ना, इन्होंने जो है ना ये बड़ा जो है ना ये पुल बनाया है। पहले इसके ऊपर जो है ना लकड़ी के जो है ना तख्ते वगैरह होया करते थे, लकड़ी के तख्ते के ऊपर ये गाड़ी मोटरसाइकिल गुजरती थी, दर 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 करता था और लोग अल्लाह अल्लाह करके जो है ना यहाँ से जो है ना ये दरिया जो है ना पार करते थे। अब ये कितने दरिया का एक है? सात दरियाओं का एक दरिया है बेटा, सात दरियाओं का। ये हर साल जो है ना रुख चेंज करता है, कभी इस तरफ चला जाता है कभी उस तरफ चला जाता है। हर साल कुछ गरीबों की जो है ना जमीनें वगैरह जो है ना वो जो है ना खा जाता है। अभी ये देखो कश्ती भी जा रहा है, वो देखिए कश्ती। और इस कश्ती की भी मैंने जो है ना सैर की है, तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है ना जाके हम लोग पहुँचे थे। तो अब जो है ना यहाँ पे बड़ी ऊंची ऊंची वो जो है ना चाइना ने रोड निकाली है और बहुत सुकून से जो है ना खोजा गुलाम फरीद पे जो है ना पहुँच जाते हैं। और हमारी दूसरी साइड पे भी कोई एक और ब्लॉगर खड़ा हुआ है, उसको कौन सा वो चैनल है, वीडियो बना रहे हैं। हाँ वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। देखिए दूर दूर तक दरिया है और कश्ती सामने। कितना सफर है ये बेटा? आपका नजदीक ही है, पहुंचने वाले हैं तो थोड़ा थक गए, थोड़ा रेस्ट वगैरह मार लें, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है ना तकरीबन 1.5 घंटे से लगातार नॉन स्टॉप जो है ना चलाते हुए आ रहे हैं और हमारे पास पैसेंजर भी काफ़ी है। ऐसा लग रहा है कि गधा रेडी बनाई हुई है। क्यों अयान चले? ये हाईवे की रोड है ना? हाईवे ये दीदी खां भी लगे, तेरा गाजी खां भी इधर से रोड जाता है। हाँ तेरा गाजी खां भी करीब रोड जाता है, इधर से जाता है गाजी मगा भी भूल के सब जाता है। अब हमें लगता है कि हम गांव में आ गए हैं वैसे। हाँ यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ये हरियाली और यहाँ जो होता था ना सारा का सारा बेटा पानी होता था और इसके अंदर ऐसी कश्ती भी लेके जा रहे थे ना मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल भी लेके। हाँ हाँ तो वो ऐसी यूं जो है ना पानी के अंदर चलती थी, वो वहाँ ख्वाजा गुलाम फरीद के मज़ार के पास ही जाके वो पहुँचती थी, वहाँ जाके छोड़ती थी। ये सारा पानी पानी होता था और इतनी डर लगता था। अच्छा एक चीज मैंने जो है ना अपनी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढी थी, वो यहाँ पर नजर आ गई। क्या इसको कहते हैं? गुम्पा। यहाँ तोड़ के लेके जाएंगे? कोई जानवर भी बीमार हो नीचे ना गिर जाओ ध्यान करे। पटने गुलंबे पटने ना गुलंबे पटने खेली है बोवे लगे पे खेली चाहो। अबू जान अपनी बड़ी सिस्टर से पूछ रहे हैं गुलंबे ने बेटा ये बहुत काम आते बीमारों के जोड़ों के दर्द की बीमारी के। हाँ मैंने वैसे देखे तो फर्स्ट टाइम है। अब ये तो मतीरे हैं। मतीरे थोड़ी है, मतीरे हैं ये, गुलंबे हैं। गुलंबे थैली भर ले। गाय ठीक हो जाएगी इससे? हाँ जो खांस पास खत्म लाया जाता है। ये भी है तेली ले आओ यार, तेली ले आओ उधर भी पड़े। अच्छा दी अबू को यहाँ पे अपने काम की चीज मिल गई है। ये अबू हमारे एरिया में क्यों नहीं होते? अब पहले होते थे। बहन से पूछ रहा हूँ कितने बहुत है, बहन कह रही है बहुत है। ये देखिए मौसम भी जबरदस्त बना हुआ है, पत्थर यहाँ पे तो बहुत सारे लगे हुए हैं। तो 3 और टोल भी हैं। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना और किस प्यारे बहन भाई को पता है ये किस चीज के इलाज के लिए होते हैं। वैसे कहते हैं जोड़ों की बीमारी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और मैंने सुना था जिगर की बीमारी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसको जो है ना पाँव के नीचे डाल के ना इसको पूरे यूँ दबाते रहें, कोई भी पी लिया हो कालिया हो तो वो कहते हैं इससे जो है ना इसका जहर जो है ना मर जाता है, ये कड़वा बहुत होता है, जहरीला है।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि अभी जा रहे हैं ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार पे। शाम की वीडियो तो बहुत ही अच्छी होने वाली है और फुल घूमने वाली है, फुल एंटरटेनमेंट होगी। अक्सर ही आप लोगों ने घर का व्लॉग देखा है, तो आज जो है ना न्यू व्लॉग मिलेगा आप लोगों को। तो अभी आप लोग से चाहेंगे इजाज़त, कल मिलेंगे, शाम को देख रहे थे। अल्लाह हाफिज़।